हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी। मैं इसको डीप फ्राई करके मैंने इसको बनाया है। और ये धनिया की चटनी, इसकी रेसिपी भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, जो कि मैंने इसको 5-6 घंटे इस रेसिपी को बनाने में लगाए हैं। तो आपका तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में, तो देखिएगा जरूर पूरी और बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है 1 kg ये चिकन लेग पीस है और चिकन विंग्स है, ये देखिए। तो मैं वो दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। तो ये मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है 2 चम्मच, और हाफ से भी कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1.5 स्पून मैंने लिए रेड चिली पाउडर। ये घर की जो पिसी हुई तीखी वाली मिर्ची होती है ना, ये वो वाली मिर्ची है, वो नहीं है, कश्मीरी मिर्च नहीं है ये। और मैंने 2 स्पून लिए हैं सॉल्ट के, तो 1 स्पून ले लिया मैंने ये चाट मसाला, और जीरा पाउडर मैंने मिक्स करके रख रखा है। और ये 1 स्पून ही गरम मसाला लिया है, होममेड गरम मसाला। और मैं इसमें कर्ड डालने वाली हूँ, मैंने 5 से 6 चम्मच कर्ड लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें देखिए ये मैदा डाली है 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं डाली। बेसन मैंने इसलिए यूज़ नहीं करा, क्योंकि अगर बेसन मिला देते इसमें तो इसका क्रिस्पनेस जो होता है, जो फ्राई करने के बाद क्रिस्प होने वाले हैं, ये वो नहीं होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप स्टार्च डालेंगे ये मैदा, तो उससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और जूसी बनेंगे। और अब मैं इसको अच्छे से इसकी मसाज कर दूंगी चिकन की। और ये देखिए, मैंने इसमें कट्स पहले से ही लगा लिए थे, ये ऐसे कट्स आप जरूर लगा लें ताकि इसके अंदर तक भर जाए मसाला अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 नींबूओं का रस लिया है, और थोड़ा मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब एक बार और मिक्स कर लूंगी मैं इसको। नींबू के रस से मतलब ये है कि अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और काफ़ी हद तक ये मैरिनेशन के लिए नींबू जरूरी डालना पड़ता है, और इससे अच्छा टेस्ट भी आता है। और मैंने कोई कलर यूज नहीं करा है, वो ज़्यादा रेड रेड मेरे को पसंद नहीं है इसलिए। देखिए मसाला इसके अंदर तक चला गया है, ये देखिए। अब मैं इसको 2 घंटे तक ऐसे ही ढक के रखने वाली हूँ। तो मैरिनेशन के लिए ये तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसको ऐसे कवर करके फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटे के लिए, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, ये है हरी चटनी जो हम खाते हैं, मतलब फ्राइज वगैरह के साथ में, वो ग्रीन वाली दही वाली चटनी, तो उसकी रेसिपी ये है। फिर आप बाद में इसकी रेसिपी भी बोल रहा था कोई मेरे से, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी बता दूँ। ये धनिया को मैंने धो लिया है, बहुत सारा धनिया है ये, और ये मैंने ली है 5 से 6 हरी मिर्च ली है मैंने, और ये 1 नींबू का रस है। और नमक आप स्वाद अनुसार रख लेना, अभी फिलहाल मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और अगर मेरे को कम लगेगा तो बाद में डाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये चटनी मैं पीस के ले आई हूँ। अब मैं इसमें दही मिलाने वाली हूँ। तो दही को हमेशा फेंट के अलग से मिलाएं, कभी भी मिक्सर में डाल के दही को ना मिलाएं, क्योंकि फिर वो लस्सी बन जाती है और चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। इस
इसको अच्छे से मिक्स कर लें और चेक कर लें आप अपने स्वाद के हिसाब से आपको कैसा इसमें मतलब सॉल्ट वगैरह कैसा रखना है। तो बस यही है, ये ऐसे ही बनती है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो बनाइएगा ज़रूर, देखिएगा आपको ये चटनी कैसी लगी है मेरी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे, मैं शुरू करती हूँ फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और इसकी हालत अब कुछ ऐसी है, दिखने में ऐसा हो गया है। मसाला इसके अंदर तक जा चुका है और देखिए तेल इधर कढ़ाई में गर्म हो रहा है, देखिए धुआं आ रहा है तेल में से, इतना गर्म होना चाहिए तेल। और अब मैं इसमें चिकन डालती हूँ, देखिए मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, बहुत केयरफुल नहीं डाली और मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी 5 से 10 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इनको पलट दिया था 10 मिनट बाद और अभी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। अब मैं 5 मिनट गैस को स्लो कर दूंगी ताकि इनका जो मतलब थोड़ा बहुत कच्चापन बचा होगा वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं सारे चिकन फ्राई करने के बाद आपसे मिलती हूँ फिर, अब तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। फ्रेंड्स चिकन को मैंने फ्राई कर लिया लेग पीस को, अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसने अपने बोन को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है और ये बिल्कुल एकदम अच्छे से क्रिस्प है और अच्छे से पक भी चुका है। थोड़े से इसके ऊपर मैं अनियन रिंग्स रख दूंगी, ये ऐसे इधर। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी है। और अगर आप और भी रेसिपी चाहते हैं तो मेरे को बताइएगा, मैं और रेसिपी भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी बढ़िया बढ़िया। तो बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखना अपना, बाय।